स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 27 मार्च को सुबह 7 से 9 बजे तक मनकापुर स्थित क्रीड़ा संकुल मैदान में सुबह 7 से 9 बजे तक एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया है। राज्य खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने रविवार को हुई पत्र परिषद में बताया कि इस एरो मॉडलिंग शो का आयोजन छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने का एक प्रयास है। यह शो नागपुर के लोगों के लिए यादगार रहेगा। खेल मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में क्रीड़ा व युवक सेवा विभाग एवं राष्ट्रीय छात्र सेना के संयुक्त तत्वाधान में एरो मॉडलिंग शो आयोजित किया गया है। इस आयोजन में 25 से 30 विभिन्न प्रकार के विमान आकाश में आकर्षक एयर शो करते दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जिले के छात्रों में भारतीय सेना में भर्ती होने की महत्वाकांक्षा पैदा करने के लिए किया गया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महाराष्ट्र की राष्ट्रीय छात्र सेना की टीम को भी मुख्य अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। एरो मॉडलिंग शो में कई तरह के साहसिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। इनमें घुड़सवारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनसीसी के विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण, हथियारों की सूचनात्मक प्रदर्शनी के साथ साथ एथलेटिक्स स्टेडियम भवन का उद्घाटन शामिल है। पत्र परिषद में क्रीड़ा व युवक सेवा विभाग के उप संचालक शेखर पाटिल, जिला क्रीड़ा अधिकारी अविनाश पुन, एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल परमवीर शर्मा उपस्थित थे। 2 साल से ये सारा यंगस्टर्स, ये सारे बच्चे घर में बैठे हुए, ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं कई ग्राउंड पे जाते हैं, कोई गली में बैठा है, कोई घर में बैठा है, कोई नो फिजिकल एक्टिविटीज। अब ये कोरोना करीब करीब ख़त्म हो चुका है, ऐसे इसमें बच्चों को फील्ड पर आने के लिए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनमें एक नया जोश निर्माण करने के लिए मैं ये एरो मॉडलिंग का शो कर रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ पे एरो मॉडलिंग पे रुचि रखते हैं या एरो मॉडलिंग के कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने मेडल्स मिलाया, मेरे डिपार्टमेंट से लगा हुआ एनसीसी है, ये सबको साथ में जोड़ के ये शो करने जा रहा हूँ। मानकापुर स्टेडियम में है, सुबह 7 से 9 बजे तक है। थोड़ा सुबह इसलिए जल्दी रखा कि बाकी में धूप होंगे तो बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जरा अर्ली मॉर्निंग में रखा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।